आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। गुजरात से एक जबरदस्त वीडियो हमारे सामने आया। इस वीडियो को देख करके लगातार जो हम आपके सामने जो है कई सारे खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं, कभी महिला का वार, कभी युवाओं का वार। और अब देखिए इस रिपोर्ट को, इसमें तमाम जनता गुजरात की अपनी तरफ से पूरी बातें और पूरे वादे दावे यहाँ पर खोलते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देख करके हम भी दंग रह गए। इस वीडियो को देखिए और समझिए इस बार का गुजरात का समीकरण चुनाव से पहले क्या बन रहा है। एसपी 9 न्यूज की टीम आज जामनगर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद है और यहाँ चुनाव का टाइम है। और चुनाव के मद्देनजर अगर पार्टियों को देखा जाए उस लिहाज से तो बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर जो है रहती है हमेशा से। लेकिन इस बीच में इस चुनाव में एक खास बात यही है कि एक नई पार्टी की एंट्री होने से, यानी आम आदमी पार्टी की एंट्री होने से त्रिकोणीय श्रृंखला हो गया है और ये चुनावी सरगर्मियों की जो दिलचस्पियाँ हैं ना उसको और भी ज़बरदस्त तेज कर दिया है। लिहाजा वैसे में सवाल ये है कि चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या बाकी विपक्ष के तमाम नेता हों, ये तमाम लोग जो है एक से बढ़कर एक रैलियां कर रहे हैं। देखना होगा कि आखिर क्या चीज़ होता है। तो जामनगर में किसका कब्जा होगा? हालांकि बीजेपी का कब्जा रहा है लेकिन आम आदमी पार्टी एक तरफ कांग्रेस में हमेशा से टक्कर रहा है, तो आम आदमी पार्टी के आने से किसका खेल बिगड़ेगा और यहाँ बीजेपी का कब्जा रहा है, क्या वो बरकरार होगा या उलट फिर होगा, ये यहाँ की जनता से बेहतर कोई बता नहीं सकता। कुछ लोग यहाँ पर बैठे, इनसे ही बातचीत करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या नाम हुआ सर? सुरेश भाई। सुरेश जी, जामनगर एक्चुअली हम लोग आए हैं चुनावी माहौल जानने के लिए। यहाँ बीजेपी का अच्छा पकड़ रहा है, इस बार कैसे देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी के आने से कुछ उलटफेर होगा या फिर जैसी सीटें हैं वैसी बरकरार रहेगी? नहीं, बीजेपी का है, बीजेपी ही रहेंगे, बीजेपी। और ये आम आदमी पार्टी के आने से कुछ लगा आपको कि कोई पार्टी पर फर्क पड़ेगा चाहे बीजेपी या कांग्रेस पे? तो परिवर्तन आएगा, परिवर्तन भी आएगा। हाँ, अभी तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ही आएगा, फिर आप कह रहे हैं परिवर्तन आएगा। वो दूसरे वो गब्बर आया नहीं है, वो पहली बार आया है वो। अच्छा, आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी के आने से नुकसान किसका है, बीजेपी का है या फिर कांग्रेस का है, किसका है? बीजेपी का नुकसान। बीजेपी का नुकसान, उनकी सरकार रहने के बावजूद उसी का नुकसान। क्यों ऐसा, क्यों आप लोगों को लग रहा है कि केजरीवाल जी ने ऐसा क्या कर दिया कि नुकसान हो जाएगा? केजरीवाल का जो मिशन है ना, वो जो शिक्षण वो फ्री में है और बिजली उसके हिसाब से है ना, उसका बहुत बड़ा वोटिंग में असर रहेगा। अच्छा, मतलब लग रहा है कि वोट कट जाएगा कांग्रेस और आम आदमी बीजेपी का, ये कह रहे हैं? हाँ। अशोक जी देखिए, अभी लोग से आप सुन भी रहे होंगे और मैं यही बात कर रहा हूँ, हालांकि चुनावी यात्रा हमारी निकली है, मैं यही सिर्फ समझ रहा हूँ कि इस बार हवा क्या बह रही है, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं, इस बार सरगर्मियाँ क्या हैं, किसकी लहर ज़्यादा है इस बार? यहाँ पे तो ऐसे देखा जाए तो सबकी लहर ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर पब्लिक की मांग ऐसी है कि अभी आप में वोट डाला जाए। तो अशोक जी, लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, किसका खेल बिगाड़ पाएगी, बीजेपी या फिर कांग्रेस का? दोनों में थोड़ा थोड़ा ही रहेगा। अच्छा, दोनों में फर्क पड़ेगा, सबसे ज्यादा किसको पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार है तो उसको या फिर कांग्रेस? कांग्रेस को पड़ेगा, ज्यादा कांग्रेस को पड़ेगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सोहेल, मोहम्मद सोहेल जी। मैं ये जानने आया हूँ कि दरअसल चुनावी माहौल में इस बार किस पार्टी का चर्चा इस तरफ ज्यादा हो रही है? कोई चर्चा कोई भी नहीं, साइलेंट है और कोई बात नहीं है, एकदम कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं किसी भी चीज की। परिवर्तन, आप पार्टी आए तो अच्छा है, परिवर्तन जरूरी है। हाँ बिल्कुल, परिवर्तन कर रहा था, कह रहे मोदी सरकार ने। आपने क्या नाम बताया था सर? अहमद। अहमद जी, देखिए अभी लोग कह रहे हैं कि भाई गुजरात को तो बर्बाद कर दिया इन्होंने, महंगाई दुनिया की बढ़ा दी, काम काज हो नहीं रहा है। जो सही है वही बता रहे। नहीं, आपने तो कहा था कि मोदी जी ने ठीक किया कामकाज, जीतने वाले वही है। मैंने आपने ये भी कहा था कि सरकार ने ठीक कामकाज किया है, जो कर 27 सालों से जो है वही रहने वाला, गुजरात से कोई चेंज नहीं होने वाला। रहने वाला एक अलग मसला है, कामकाज एक अलग मसला है। तो कामकाज कितना हुआ है ये बताइए आप। कामकाज अभी हुआ है, जो भी हुआ है, सड़कें अभी, इलेक्शन है तो बन गई है, जो बनी है ये तो पहले से ही तो चल रहा है, ये तो पहले से ही है। जो वो गवर्नमेंट बैठी थी कहाँ, सेंट्रल के अंदर में, ये कांग्रेस, तब भी तो वो पहले से ही तो रजिस्टर्ड हर चीज थी, वो तो करवा रहे हैं सिर्फ, तो कहाँ से परिवर्तन हुआ? मतलब सिर्फ फीता काटने का काम हुआ। हाँ, कोई परिवर्तन तो है ही नहीं, वो तो जो वो बना करके। क्या माहौल है और क्या माहौल है इधर? मैं परदेशी है। परदेशी है, गुजरात से ही होंगे ना? नहीं नहीं, हम लोग कहाँ से? बनारस से आए हुए। हाँ, भाजप माजप चाहिए इतनी, आम पार्टी को ला, पार्टी को लाया जाए। आज भाजपा ने मार चोट डाले जाओ। भाजपा से क्यों परेशान हो भाई? बहुत हैरान करने का, म्युनिसिपैलिटी ने पुलिस वाले बहुत हैरान करते हैं यार, ये लोग तो कह रहे हैं बहुत खुश है। अरे काय का होत ना होत, सब भाजपा माजप नीचे आम पार्टी चाहिए। पार्टी आने से क्या फायदा? बहुत फायदा होगा, गरीबों को वहाँ रोटियां मिलेगी। ये जो मोदी जी कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए, मोदी खुद मोदी रोटी जाओ तो खा जाओ, इसमें कहे वो
चलिए मतलब रोटी रोटी पे आफत हो गई, ये कहना चाह रहे। बहरहाल और बताइए, और सर क्या मुद्दे हैं इस एरिया के, मुद्दे क्या हैं इस वक्त? हम तो बाहर से आए, बहुत बाहर से। कहाँ से आए हुए? हम वाराणसी से आए हुए। अच्छा, मतलब यूपी से आए हुए, वहाँ भी तो बीजेपी की सरकार है। बहरहाल और कुछ लोगों से बात करेंगे सर आप बात। हाँ, ये कम से कम तैयार तो हुए, लोग डर से भाग रहे, पता नहीं जैसे लग रहा कोई भूत आ गया। बहरहाल ये मैं जानने आया हूँ कि मुद्दे क्या है इस बार इस चुनाव में, कुछ ही दिन बचे हुए, इस बार मुद्दे किस बात को लेकर चर्चा हो? मुद्दा तो कोई नहीं है, वो तो जिसको आना होगा तो आ जाएगा। हाँ, लेकिन मुद्दा ये मोदी ने बहुत बढ़ा दिया है भाई साहब। क्या बढ़ा दिया? महंगाई बढ़ा दिया, गरीब मरे जा रहे हैं। हाँ। राइस कमाए जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, मिडिल क्लास जो है ना रोड पे आ गए, मतलब अमीर अमीर हो रहा है, गरीब अमीर अमीर हो रहा है, गरीब तो हाथ फैला देगा। पर जो मिडिल क्लास है ना वो मारा जा रहा है इसमें, ये महंगाई में। मंत्री नेता तो कहते हैं मोदी राज में ही गरीब खुश है, वो तरक्की कर रहे हैं, तो वो नेता है भाई, वो तो बोलेंगे। अच्छा, वो तो बोलेंगे। सच्चाई तो समझ नहीं आया, ग्राउंड की सच्चाई क्या, क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, क्या है? तकलीफ ये समझ लो, तकलीफ ये है कि आपने मिडिल क्लास को मार डाला, मिडिल क्लास को मार दिया आपने ये महंगाई बढ़ाकर। अच्छा, उसकी कमर टूट गई, मतलब कमर टूट गई क्या? वो ना हाथ फैला सकता है ना किसी को बोल सकता है, वो शर्म में मारा जा रहा है। आप आए सरकार अच्छी चला रहे, पर ये महंगाई लाके ना बहुत बेकार काम कर रहे, परेशान हो गया है। इस बार क्या लग रहा है, कोई माहौल में बदलाव है, परिवर्तन होने वाला है, कैसे देख रहे हैं इस बार, क्या चर्चा हो रही है? देखिए, परिवर्तन तो हो रहा है, ऐसा नहीं है, पर ये महंगाई लाके परिवर्तन करना कोई बहुत अच्छी बात मतलब नहीं है। एक तो लोग बोल नहीं रहे, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं उसमें कुछ मुद्दे महंगाई को लेकर आ रहे हैं और बीजेपी की ही चांसेस ज्यादा लग रहे हैं ये लोग। बहरहाल तो बोलने की एक परेशानी तो है, हमारे सहयोगी भी जब रिपोर्ट करते हैं तो आधा आधे घंटे यानी 30 मिनट जब हम बोलते हैं तब भी जो है 2 से 3 लोग बोलने के लिए तैयार होते हैं, यानी ये मसला है कि लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं, ये सच्चाई भी है। और यही वजह है कि हमें जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उनसे बात करना पड़ता है। काकी जी, क्या नाम हुआ? जरीनाबाद। कैसे देख रहे हैं चुनाव नाम को लेकर कोई चर्चा है, बिक्री भट्टा हो रहा है आपका? चलता है, बहुत मंदी चलती है अभी। अच्छा, नहीं बिक्री हो रहा ज़्यादा? नहीं बिकला हो रहा। क्यों, बहुत महंगाई इसलिए? महंगा है, मंदी बहुत है। महिलाएं के लिए बहुत दिक्कत है क्या? बहुत दिक्कत है महिलाओं के लिए, तो खाने को बराबर नहीं मिलता, गरीबों के लिए ये होता, धंधा पानी नहीं चलता तो क्या करेंगे। अच्छा, तो ये सरकार का राशन वगैरह ये सब नहीं मिल रहा? सरकार को जिसके पास सब है उसको मिलता है, जिसके पास नहीं है उसको नहीं मिलता है। अच्छा, तो ये शौचालय वगैरह भी, मकान भी नहीं मिल रहा? कुछ नहीं, हम लोग तो रोड पे रहते हैं। आप लोग रोड पे भाड़े पे रहते हैं, रूम का भाड़ा 3-3 हज़ार, 4-4, 5-5 हज़ार रुपया भाड़ा मिलता है। अच्छा, तो कहाँ से आप, यहीं गुजरात से हैं? नहीं, हम तो रहने वाले बिहार के। अच्छा। यहाँ पे भाड़े से रहते। अच्छा, फिर भी दिक्कत है मतलब यहाँ? वो दिक्कत है। तो कह रहे हैं कि यहाँ तो बाहर से जो लोग आते हैं बहुत खुश रहते हैं क्योंकि गुजरात की सरकार है। गुजरात की सरकार क्या है, जो गरीब यहाँ के लोग है वहाँ के लिए दिए है। तो देखा आपने किस तरीके से गुजरात की जनता ने साफ कर दिया है कि उनके रास्ते किस तरह से अलग होते जा रहे हैं यहाँ पर मोदी सरकार से, और यहाँ साफ तौर पर वो विपक्ष का साथ देती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आज को हमारे खास रिपोर्ट देख करके आप लोग को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SBI News।